अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। भाई दो दिन तो हम थे बिज़ी, इसलिए हम दो दिन व्लॉग नहीं बना सके। मेरी मम्मा नहीं जानती, बहुत बीमार, बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी। बस अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है थोड़ी बेहतर हुई है, तो हमने कहा चलो आज व्लॉग बनाते हैं। हमारी आज है यहाँ पर नवी इफ्तारी की तैयारी, 9th इफ्तारी की तैयारी, और प्रिपरेशन हमारी जारी है। आज आमना भी कर रही है हमारे साथ, है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आमना फ्रूट्स धो के थोड़ा फ्रूट कट करेंगी। मैंने यहाँ पे आलू कट कर दिए हैं पकोड़े बनाने के लिए। शरबत बनाने जा रही हूँ, दो तीन तरीके हमारे यहाँ शरबत बनते हैं। अच्छा, इस दफ़ा मैं लेकर आई थी अल बुरहान का मैंगो स्क्वैश, जो हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद आया। आप यकीन करें इसमें शुगर भी बहुत कम डलती है, बहुत, बल्कि डलती ही नहीं है, ज़्यादातर तो मैंने डाली ही नहीं है। तो बहुत मज़े का टेस्ट है, और इतनी ठंडा लगता है ना पीने के बाद। अब ये एंड पर है, मैंने अभी लेकर आ गया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। बस मैंने ऐसी ट्राई के लिए ले आई थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा। तो चले साथ साथ प्रिपरेशन भी चलती है। आपकी जामे शरी भी रेडी है, मैंने इसमें क्रश की हुई आइस खूब सारी डाली है। अच्छा, ये वाला भी जूस रेडी हो गया है, बाकी मेरे पकौड़े रेडी हो गए हैं तकरीबन। और यहाँ जो है आमना बना रही है फ्रूट चाट, फ्रूट चाट भी तकरीबन कंप्लीट पे बनानास कट रहे हैं, बाकी हनी मेलन और ऑरेंज ना मैं आके काटती हूँ, ठीक है, वो आपसे नहीं कट होगा। चले देखें, मेरी ना इफ्तारी हो गई रेडी, कुछ ही देर में जो है हमारा जो है ना रोज़ा भी खुल जाएगा। बाकी ये कि आप सबसे रिक्वेस्ट थी, सबसे रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ मेरी मुमानी जान के लिए बहुत ख़ास दुआ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि उनकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है अब थोड़ी बेहतर हैं, उनको ब्लड लगा है, उनका ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव, जो बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत रेयर ग्रुप है। तो मांग रही हैं आप का ढूलिया क्या हो रहा है जैनब? जैनब आज छत पे चली गई थी। मेरा किचन हो गया क्लीन, मैंने बर्तन सारे यहाँ धो दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ना भिंडियाँ भी धो दी हैं। मैं आज बनाने जा रही हूँ भिंडी, कीमा और ये बड़ी वाली हरी मिर्चें। तो अभी मैंने ये धो के ना इनको रख दूँगी ताकि ड्राई हो जाएं। इसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। आमना आपने नमाज़ पढ़ ली? पढ़ ली। चले शुक्र। छोले को मैंने नहला दिया है, बहुत गंदी हो रही थी, जैनब कैसे, चले चलो थोड़ी दूर हटो। अच्छा बस 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 जैनब, देखो जैनब फ्रेश हो गई ना नहा के, इतनी गंदी हो रही थी आप। चलो अच्छा, आप बाबा के पास जाओ, जाओ जाओ बाबा के पास चले जाओ। मैंने भिंडियाँ कट कर दी है, और अच्छा भिंडियों को ना ज़्यादा छोटा नहीं करना है, जो इतने साइज़ के इतने ही रहने दें, बाकी ज़्यादा छोटा ना करें। कीमे में बहुत छोटी बहुत बुरी लगती हैं, और कीमे का टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो ये साइज़ परफेक्ट है कीमा बनाने के लिए। बाकी मेरा कीमा इस दफ़ा मशीन का आ गया, मुझे हाथ का कीमा पसंद है, लेकिन चलो खैर ये भी बना लेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। ऑयल में जो है ना प्याज फ्राई करने के लिए रख दी है, अब इसके बाद मैं स्टेप बाई स्टेप सब चीज़ें डालती जाऊँगी। प्याज फ्राई हो जाएगी तो मैं इसके अंदर हल्का सा जब लाइट ऑयल में कीमा डाल के हल्का सा इसको भून लिया है, ताकि थोड़ी सी स्मेल इसके निकल जाए। अब मैं इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून, सॉरी टी स्पून, मैं इसके अंदर ये अदरक जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। उसके डालने के बाद फिर मैं ये चारों जो है स्पाइसिस, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और नमक, मेरे हस्बैंड जायका, ये सब डाल के उसके बाद ही टमाटर ऐड कर दूँगी। ये अच्छी तरह भून के जब ऑयल ऊपर आ जाएगा फिर मैं ये भिंडियाँ इसमें ऐड कर दूँगी। चलो मैं आपको ये सब करने के बाद दिखाती हूँ इसकी क्या शक्ल आती है। हो गया मेरे रेडी, अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी भिंडी। भिंडी को मैं एक दो स्टीम मतलब भाप पे रख के बस में चूल्हा बंद कर दूँगी, ठीक है। अब मैं डालने लगी हूँ इसमें भिंडी, और इसके बाद मैं गार्निशिंग के लिए मैंने ये मैंने मिर्चें काटी हैं और हरा धनिया, ठीक है। मेरा कीमा हो गया रेडी, ये देखो कितना अच्छा कलर आया माशाल्लाह। अब मैं इसके ऊपर ये सब गार्निश कर दूँगी जो मैंने ये काट के रखा है, ये देखिए इस तरह से सारा गार्निश कर दूँगी। थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि फ्रेग्रेंस जो है ना ये मिर्चों की और इसकी आ जाए, हरे धनिया की। मैं डिश आउट कर लूँगी। किसने आमना भी ने मारा? चलो मैं आमना भी कहाँ गायब हो गई, क्या बनाऊँ? पिज्जा। पिज्जा बनाऊँ? ओहो, पिज्जा के लिए तो अभी चीज़ें भी नहीं हैं। अच्छा तो अभी हम खाना खाने लगेंगे, फिर उसके बाद मैं अपना व्लॉग एंड कर दूंगी। खाना
तो आपसे एक और बार रिक्वेस्ट है कि भाई मेरी मामी के लिए आप सब ने दुआ करनी है। हम दोनों खाना ही खाएंगे। उनके पैर हद से ज़्यादा स्वेल हुआ है ब्लड की कमी की वजह से, और देखिए अल्लाह की तरफ से खून का रंग एक है लेकिन देखें उसके भी अलग अलग ग्रुप। जी बेटे, ओ नेगेटिव इतना रेयर है कि मिल के ही नहीं दे रहा। बड़ी मुश्किल से 3 बॉटल्स अरेंज हुई, अल्लाह अल्लाह करके उनको लगना स्टार्ट हुई। बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी, अल्लाह पाक उन पर रहम फरमाए। बस क्योंकि मेरे जो नन्हे ननियाल में जो है, मेरी वालदा बहुत जल्दी दुनिया से चली गई बहुत कम उम्र में, मेरी खाला बहुत जल्दी चली गई। अब यकीन करें एक मेरी ये मुमानी जो है ना, अभी ये बची हैं, तो अल्लाह पाक इनको बचाए, इनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक ने अगर ज़िंदगी लंबी देनी है तो फिर सेहत वाली, अपने पैरों पे चलती फिरती जाएं। बस अल्लाह ताला मोहताज ना करे किसी का। आमीन सुमामीन। हो गया रेडी, तो हम खाएंगे इसको रोटियों के साथ, चपाती के साथ। मेरी चपाती भी रेडी हो गई है, कीमा भी रेडी है, अब हम इसको खाएंगे मिर्चों के अचार के साथ। तो चलें, मेरा आज का व्लॉग यहीं एंड होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, देखें कब किस्मत में बनाना होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको नेक्स्ट व्लॉग अपलोड करूँगी इंशाल्लाह ताला। चलें जब तक के लिए ढेर, चलें अल्लाह हाफ़िज़।